सो गाइज, मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, मेरी डिज़ायर है, तो मैं अभी इसको की से अनलॉक करने का ट्राई करता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख लो कि मैं अभी इसको की से अनलॉक करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये कुछ भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। सो देखो, इसका सेल पूरा ख़राब हो गया है। तो अभी मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि गाड़ी का ये जो की आता है, उसका ये जो इसके अंदर सेल है, उसको कैसे पूरा रिप्लेस करना है। तो अभी मेरे दोनों की है, उनका मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे देख लो, ये की कुछ भी वर्क नहीं कर रही है, देखो कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है। ये दूसरी वाली की है, तो ये इससे ऑपरेट हो रही है। सो इसलिए अभी मैं ये जो पुरानी वाली की है, इसका सेल रिप्लेस करने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग हमारे ये जो की है, की का ये ऊपर वाला जो कवर है, उसको ओपन करके लेंगे। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू होता है, तो वो छोटे से स्क्रू को यहाँ से निकालना होगा। उसके लिए आप लोगों को ऐसा एक टाइनी वाला एकदम छोटा सा स्क्रू ड्राइवर चाहिए, जिसकी हेल्प से आप उसको निकाल सको। सो स्क्रू को भी मैंने यहाँ से थोड़ा सा लूज कर दिया। लूज करने के बाद आप लोग उसको ऐसे राउंड में घुमा सकते हो। उसके बाद अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये अपना यहाँ पे मेन सेंसर होता है इसके अंदर। सो यहाँ पे अपना सेल है, वो सिचुएटेड है। तो यहीं से अभी हम अपना जो सेल है, उसको चेंज करने वाले। सो अभी यहाँ पे अपना ये जो मेन सेंसर है अपनी चाबी का, तो अभी आप लोग यहाँ पे देख लो। सो मैं इसको भी यहाँ से निकालता हूँ। सो इस तरह से जो अपनी ये जो कुछ चाबी होती है, ये अपने स्विफ्ट में आती है। सो ये सेलेरियो में भी आती है, पुरानी कार्स में भी आती है ये चाबी, जो 2012-13 के मॉडल्स है, और अभी के कार्स में भी आती है। लेकिन अगर आप टॉप एंड मॉडल लो, तो आपको फ्लैप की का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है, फिर ये नॉर्मल से की नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये वाला सेल है, तो इस सेल को भी हम यहाँ से रिप्लेस करने वाले हैं। सो गाइज, अभी ये नया सेल मैं लेके आया हूँ। ये नया वाला सेल मैं अभी अपने गाड़ी के की में लगाने वाला हूँ। तो ये सेल के स्पेसिफिकेशन है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो। तो ये 3 वोल्ट का सेल है, वो इसमें आता है, लिथियम का सेल है। सो अभी यही वाला सेल अभी हम अपने की में लगाने। सो गाइज, अभी मेरी जो चाबी है, वो फाइनली अभी रेडी हो गई है यहाँ पे। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं आप लोगों के सामने इसको ऑपरेट करता हूँ। तो देखो, चाबी अभी अपनी परफेक्टली वर्क कर रही है। सो अभी आप लोगों को यहाँ पे मैं जो दूसरी वाली चाबी है, उसका भी बताता हूँ कि वो भी चाबी अभी यहाँ पे पूरी परफेक्टली वर्क कर रही है। सो गाइज, अभी ये अपनी दूसरी वाली चाबी है, ये किचन वाली चाबी, अभी आप लोग उसका देख लो। तो ये इससे भी अभी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है।